हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम पवार वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज एक और नई वीडियो लेके आई हूँ जो कि रहेगी हमारी स्टिचिंग से रिलेटेड। काफ़ी दिन हो गए हैं हमने स्टिचिंग की वीडियो नहीं डाली है, आज हमें टाइम मिला है थोड़ा, तो आज हम स्टिचिंग की वीडियो शेयर करेंगे। आपको इनमें से जो भी डिज़ाइन पसंद आता है स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप अपने बुटीक में भी बनवा सकते हैं और हमसे भी आप ऑर्डर दे के बनवा सकते हैं। अगर आपको फैब्रिक पसंद आता है फैब्रिक का भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और जैसा कि सबको पता है हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 15 दिसंबर से। जिसको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना है आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारी क्लास ऑनलाइन रहेंगी, फेस टू फेस रहेंगी, डाउट साथ साथ आपके क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट आर्टिकल रहेगा, हमने लहंगा अपने जो कस्टमर हैं हमारी सूरत से कस्टमर हैं, हमने उनका लहंगा रेडी किया है तो हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। अगर आपको वो पसंद भी आता है आप वैसा बनवा भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमने चोली दी है एम्ब्रॉयडरी की, विस्कोस जॉर्जेट रहेगा, ये एम्ब्रॉयडरी का पीस रहेगा। और आप देख सकते हैं अभी हमें बटन यहाँ पे थोड़ा आगे की साइड लगाने हैं, इधर की साइड। और इसमें आप देख सकते हैं होल्डर नेक, चाइनीज होल्डर नेक बना है इसके ऊपर, स्लीव लेस रहेगा ये। और इसके ऊपर हमने इस तरीके से ब्रॉड करके ये नेक बनाया है। आगे हमने लूप्स के साथ ये मोती वाले बटन ऐड कर दिए हैं, जरी वाला वर्क रहेगा पूरा इसमें। और ये आगे आपका ब्लाउज विदाउट पैडेड रहेगा, आगे प्रिंसेस कट हमने इसमें डिजाइन दिया है। इसके साथ जो लाइनिंग लगाई है हमने कॉटन की लाइनिंग दी है, क्योंकि विस्कोस जॉर्जेट है और एम्ब्रॉयडरी का है तो कॉटन की लाइनिंग इसके लिए बेस्ट है। आप इस तरीके से कॉटन की लाइनिंग यूज कर सकते हैं अगर आपका एम्ब्रॉयडरी वाला है तो। और इसके साथ हमने ये वाला हमने लहंगा जो हमने रेडी किया है आप देख सकते हैं काफी फ्लेयर दिया है हमने इसमें, गर्लिश लुक दिया है इसको, नेक से आपको पता ही चल गया होगा। और इसमें आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से इसको नाड़े वाला रखा है, ये बेल्ट बना दी है और साइड में हमने इसके जिप रखी है। और आप इस तरीके से देख सकते हैं इसमें हमने काफी घेरा दिया है, हमने जो इसमें कलियां दी हैं 18 कली का हमने इसको रेडी किया है। और इसके साथ जो अस्तर दिया है बंगाली सिल्क आती है उसका हमने अस्तर दिया है, क्योंकि बंगाली सिल्क से जो इसकी गेटअप है जॉर्जेट का फैब्रिक है हल्का होता है, तो उसके साथ हमने बंगाली सिल्क रखी है इसको हैवी लुक देने के लिए। और इसके साथ हमने लाइनिंग पे जो हमने इस तरीके से पेस्टिंग पूरा कर दी है, पेस्टिंग करके हमने उसको इस तरीके से बढ़ता हुआ लगा दिया है। और इसमें कलियां हमने देखे नीचे की साइड हमने बॉर्डर में इस तरीके से हमने लेस ऐड कर दी है, सेम हमने पानी गोल्डन की ही लेस ऐड की है जो कि उसमें आया है। और साथ में हमने दे दिए हैं हैंडमेड टसल्स बना दिए हैं इस तरीके से, जो कि बनके काफी अच्छा लगता है। इस तरीके से अगर आपको कोई लहंगा रेडी कराना है तो आप हमसे कोई इस तरीके से लहंगा भी रेडी करा सकते हैं। प्राइस जानने के लिए आप हमें मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा। स्क्रीनशॉट पे नंबर दिया है, आप नंबर पे व्हाट्सएप करके भी इसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ अभी हमें दुपट्टा भी रेडी करना है, दुपट्टा भी रेडी करके देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कलर इसमें रानी ही मिलेगा। अभी हमने एक और ब्लाउज रेडी किया है, ये भी मैं आपके दिखा देती हूँ, आप ब्लाउज देख सकते हैं इस तरीके से हमने प्रिंसेस कट में दिया है, कॉटन लाइन के साथ हमने इसको रेडी किया है। इसका बॉर्डर जो था ऑलरेडी ब्लाउज में जैसे साड़ियों में बॉर्डर होते हैं तो इसमें भी था, हमने साइड में लगा दिया है। जब भी आपका अगर बॉर्डर कम पड़ता है, अगर आपका प्रॉपर नहीं लग पाता है, आप इस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। पहले अलग से बॉर्डर को अटैच करेंगे स्लीव्स पे, पहले आप अपने जो आपका बॉर्डर है उसको अटैच कर देंगे, उसके बाद आप जो स्लीव्स है उसको अटैच करेंगे। इसके साथ हमने गोल्डन कलर की पाइपिंग दे दी है और नेक पे भी गोल्डन कलर की पाइपिंग दी है और बैक से जो डिजाइन दिया है वो भी देख सकते हैं। पीछे पूरा बॉर्डर हमने इस तरीके से ऐड कर दिया है और नीचे की तरफ की होल दे दिया है इस तरीके से, की होल में प्रॉपर हमने पाइपिंग दी है। और उसके साथ हमने एक पोटली बटन बड़ा सा बना के उसके साथ हमने लूप्स ऐड कर दिए हैं।
तो इस तरीके से भी अगर आपके पास कोई बनारसी साड़ी है तो इस तरीके की लुक देंगे तो काफी अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने ब्लाउज को रेडी करा सकते हैं। अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज का भी आपको कटिंग या स्टिचिंग देखनी है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साइड में हमने इसमें जिप भी दी है और नीचे की साइड हमने हुक भी लगाया है, तो आप इस तरीके से अपने ब्लाउज को रेडी कर सकते हैं। ये हमने सूट रेडी किया है, आप ये भी देख सकते हैं, जॉर्जेट का ये पीस है और इसको जो हमने रेडी किया है कॉटन की लाइनिंग के साथ, हमने सॉरी सेंटून की लाइनिंग के साथ हमने इसमें रेडी किया है। और इसमें हमने जो पाइपिंग दी है सेम इससे ही, जो आपका मिरर का वर्क है कटदाने का है सेम उससे हमने मैचिंग करके इसमें गोल्डन कलर की स्लीव से पाइपिंग दे दी है फ्रंट एंड बैक में। और इसी तरीके से हमने बैक में भी पाइपिंग दे दी है। और इसके साथ जो हमने पैंट रेडी की है, पैंट में भी हमने मिरर का ही वर्क दिया है, आप ये देख सकते हैं ये पैंट आ जाएगी। पैंट पे प्रॉपर हमने जो मिरर वाला वर्क है मिरर वाली लेस के साथ हमने इसको डिजाइन किया है और नीचे भी इस तरीके से हमने मिरर वाली लेस अटैच कर दी है। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी डिजाइन से अपने सूट को रेडी कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और सूट आ गया, आप ये भी देख सकते हैं। इसमें जो दुपट्टे का बॉर्डर था, हमने इसका जो दुपट्टा वन साइड में बॉर्डर होते हैं कई दुपट्टों में आपने देखा होगा, उसमें वन साइड दुपट्टा में बॉर्डर था और वन साइड प्लेन था, तो हमने उसका बॉर्डर निकाल के आप देख सकते हैं हमने फ्रंट एंड बैक में ये वाला बॉर्डर यूज कर दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने इसको गुम करके और इधर की साइड इस तरीके से अटैच कर दिया है फ्रंट एंड बैक में। आप इस तरीके से अपने बॉर्डर को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने इसमें स्लीव्स में भी यूज किया है, क्योंकि इसमें स्लीव्स में भी बिल्कुल सिंपल जो स्टिच आती है बस वो स्टिच थी, इसमें कुछ नहीं था, तो हमने वो वाला बॉर्डर निकाल के इसमें स्लीव्स में और आपके दामन में यूज कर दिया है। इस तरीके से आप अपने बॉर्डर को यूज कर सकते हैं। स्लीव्स में हमने पिंक कलर की पाइपिंग दे दी है कॉटन की लाइनिंग के साथ, हमने इसको रेडी किया है। फ्रंट नेक में और बैक में भी इस तरीके से पाइपिंग आ जाएगी, प्रॉपर डीप हमने नेक दिया है, बैक में हमने डॉट दे दी है। और इसके साथ जो हमने पैंट रेडी की अफगानी सलवार रेडी की है आप वो भी देख सकते हैं। सेम हमने पिंक कलर की ही लेस उठा के अपर एंड नीचे और ऊपर की तरफ इस तरीके से हमने ये वाली गुम करके हमने इसमें अटैच कर दी है पिंक कलर की के साथ। और इसमें फोर टक्स होते हैं, फोर प्लेटें आती हैं, दो फ्रंट की तरफ आएंगी और दो बैक की तरफ आएंगी। साइड में आपकी पॉकेट आ जाती है, ऑल राउंड लास्टिक है और लास्टिक भी आपको कितनी डालनी होती है, अगर आपकी हिप का सॉरी कमर का साइज अगर आपका 30 है तो आप 26-25 जो ऑल राउंड लास्टिक होती है वो डाल देंगे, और 5 इंच कम करके या फिर 6 इंच कम करके आप उसमें लास्टिक डाल सकते हैं जो कि आपका परफेक्ट आएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और नेक्स्ट आ गया, हमने इसकी वीडियो भी बनाई थी इस वाले फैब्रिक की। अगर किसी को ये वाला फैब्रिक भी चाहिए, इसमें ये फैब्रिक नहीं है एक्चुअली, ये हमारे पास सूट है, अगर किसी को ये वाले सूट चाहिए आप हमारी वीडियो में भी जाके देख सकते हैं फैब्रिक वाली में, इसको इसके आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। ये वाले सूट अगर आपको चाहिए तो आप हमसे बाय भी कर सकते हैं और स्टिच करा के लेने तो स्टिच करा के भी ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसको जो हमने रेडी किया है वी नेक के साथ ब्लैक कलर की, हमने इसमें हाईलाइट करने के लिए ब्लैक कलर की हमने इसमें पाइपिंग दे दी है, कॉटन की लाइनिंग के साथ रहेगा। और आप देख सकते हैं जो हमने इसकी स्लीव्स निकाली हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा जो बॉर्डर है साइड में आपकी स्लीव्स रहती हैं, तो आप उस बॉर्डर को बीच सेंटर में ले लेंगे और साइड में नीचे की तरफ इस तरीके से आप अपना ज्वाइंट लगा देंगे ताकि आपका बॉर्डर भी बीच सेंटर में आके स्लीव्स में जो गेटअप आती है काफी अच्छी आएगी, बॉर्डर भी बीच सेंटर में रहेगा। क्योंकि आप कभी भी बॉर्डर लगाते हैं तो उसका बीच सेंटर आप जरूर पकड़ेंगे, क्योंकि बीच सेंटर नहीं रहेगा तो आपका हाफ इधर बॉर्डर चलाया जाएगा या फिर हाफ इधर चला जाएगा, एक साइड आपका पूरा प्लेन रहेगा। तो इस तरीके से ना करके बीच सेंटर में अपना बॉर्डर रख के तब उसको बाजू को कटिंग करेंगे और ज्वाइंट आप साइड में लगा देंगे। और ये बैक से हमने इसका इस तरीके से ठीक बैक रखा है।
और ये हमने इसके साथ पैंट रेडी किए हैं। पैंट में भी हमने छोटा सा इस तरीके से पट्टी के साथ हमने ये वाला जो फैब्रिक बचा था हमने ये वाला ऐड कर दिया है। और फ्रंट में आपकी इस तरीके से बेल्ट रहेगी, बैक में इलास्टिक रहेगी और साइड आपकी पॉकेट आ जाएगी। इस तरीके से हमने इसको भी रेडी कर दिया है। तो छोटे छोटे डिजाइन के साथ छोटी छोटी बातें ध्यान में रख के आप इस तरीके से अपने सूट को अच्छे से रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो। आप सबको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करो। और आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करनी है आप अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फीस के अकॉर्डिंग, या फिर आपको डेमो क्लास लेनी है उसके लिए आप हमें जो नंबर दिया है हमने आपको, आप उस पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।